बुआ ना कुछ करने वास्ते डायलॉग मारना पड़ा क्या बुआ बांडगी और चा पी खांडगी अरे इन्हें हाथ लगा के देखूं मैं वो गोल्ड अरे यार ड्रावा क्यों लग रही है यार क्रिस 3 यार बनाऊंगा रोल इनकम नहीं मने तो अगले चौक पे चले जाते हैं स्किन पर कोई रिएक्शन वगैरह साइड रिएक्शन वगैरह का हाथ लगा के देखा जी यहां पर थे चमके जी चमका दिया बस कभी कभी यानी आंख दुखन लाग जाए बस मुंह में कलर चल जा तो विंग जो पेड़ दुखन लाग जाए वो ठीक हो नहीं फिर 5-7 हज़ार रुपये पर पेड़ पर लाग जाए और काम कर लो फिर सेहत ने क्यों खराब कर अगर छोरी भी देवानी ब्याण वस्त्र तो यहाँ क्या छोरा ना वो काम आ गए स्टेचू मन या झलको हनुमानगढ़ चैनल देख रहे हैं दर्शकों ने सारा ने प्यार भरी राम राम। अभी आप हाल फिलहाल मौजूद हाँ हनुमानगढ़ जिले के संगरिया के अंदर अठों आवल आ रहे हो तो एक स्टेचू देखियो मैं और स्टेचू देखियो तो रुक के हैरान हो गए स्टेचू ने देखने में ओ भाई खड़े हुए और वो कोई स्टेचू को नहीं हो जितो जा तो इंसान है लेकिन आकृति है जो एक तरीके से स्टेचू जिसी दे रहा है कि एक बार पहले भी आप स्टेचू की वीडियो बनाई ही काफ़ी 2 साल पहले लेकिन वो स्टेचू को नहीं वो अलग है भी शख्स को नाम सलमान हो और बी की शक्ल भी अलग ही क्योंकि मेरा अभी तक याद है और इन्हें हाथ लगा के देखूँ मैं वो गोल्ड अरे यार ड्रावा क्यों लग रही है और आपकी आजीविका कमाने खातर आपका गुजर बसर करने खातर कलर है जो आपका पूरे शरीर के ऊपर लगा हुआ है और लोगों को है मन बहलाना को काम करे और सिल्वर मैन आप बातचीत करांगा भाई जी सांस है थर में हाँ भाई साहब आते यहाँ आकृति के अंदर खड़े हो कितना घंटा खड़े हो कंटिन्यू भाई साहब जैसे कि खड़ सकते हैं पूरे दिन भी खड़ सकते हैं जगह हमारे इनकम नहीं मने तो अगले चौक पे चले जाते हैं अच्छा अगले चौक पर एक चौक पर कितना घंटा खड़े रहो 3-4 घंटा चार घंटा थारो नाम क्या है भाई साहब कुलमान अच्छा कुलमान अच्छा कुलमान जी संगरिया के रहना रहो हाँ जी कितने टाइम मतलब थे वो काम कर लग रहे हो 5 साल से 5 साल हूँ तो के कुछ कुलमान जी के कुछ इनकम हो जाए थारी गोल्डन में 500-700 रुपया हो जाते स्किन पर कोई रिएक्शन वगैरह साइड रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं जी कोई कौन करा कलर यूज करो थे घरों में डेकोरेशन करा जी को कलर आयो डेकोरेशन करा मतलब जी यानी के अपा घरों में तारा बना लिया फूल बनवा लिया भी तरीका का अच्छा अपना अपन हनुमानगढ़ जिले की बात करना तो कितना कैसा स्टेचू होगा जो गोल्डन सिल्वर या बन बन के घूमे यानी कि तीन है एक तो थे कुलमान एक सलमान है एक बादू है बे खटका है बहन मांगड़ का मेरी बुआ जी का लड़का अच्छा 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 मतलब सलमान को तो मैं करियो आज 2 साल पहले इंटरव्यू करियो जक्शन के अंदर बे मेरा बड़ा भाई साहब अच्छा तेरा बड़ा भाई साहब है सलमान अच्छा अच्छा बे खटका है बे सुरतगढ़ घूम लग रहे हैं तो ब्याह शादी में भी खड़े हो गए हैं स्टेचू बन के हां जी भाई साहब अच्छा ब्याह शादी में स्टेचू बन के कुछ इनकम वगैरह होगा कि थाने नहीं साहब वो क्या ब्याह शादी में बुलावा नहीं जी कर दिया मारे पीछे अपने के 1100 रुपया या 2100 रुपया मुकातो करा वो 3-4 घंटा वो लोग हाथ लगा के तो देखता होगा हाँ जी तो ड्राउ को नहीं के हाथ लगा के देखा जी यहाँ पर थे चमके जी चमका दिया तो लोग मनोरंजन हो जाए बाबू कुछ हो जाए फिर बाबू बिल्कुल थे तो मनोरंजन ही कर ला मनिया बताओ कुलमान जी उम्र रंग किया उतारूंगा हाथ में जो मेरा गोल्डन लग गया वो तो भाई साहब थारो सीधे उतर जाओ और ज्यादा भी तरीका हूँ जी मैं मारा रंग लग रहा भी तरीका उतारना चाहो तो थिनर यूज करना पड़ा तो थारा शरीर पर थिनर यूज करो हाँ जी भाई साहब थिनर उतर हाँ जी भाई साहब तो कितना बजे मान लो सुबह घर कितना बजे निकलो 12 बजे ले गए शाम ने 3 बजे तक तो मतलब 3-4 घंटा ही लगा के रखो थे कलर है हाँ जी ज्यादा लगा के रखो फिर भी कुछ को नहीं बने कोई फर्क कौन पड़े कुछ तो साइड रिएक्शन करते ही होगा कलर नहीं भाई साहब बस कभी कभी यानी आंख दुखन लग जाए बस मुंह में कलर चल जाए तो विंग जो पेड़ दुखन लग जाए वो ठीक हो नहीं फिर 5-7 हज़ार रुपये पर पेड़ पर लग जाए दवाई लग जाए तो लार लग गया कैसे मेरा पेट में चल गया जो मेरा लीवर में रंग चल गया जो मैं बीमार हो गया 5-7 हज़ार रुपये लग गया ठीक हो गया पेट थे फिर और काम कर लो फिर सेहत ने क्यों खराब भाई साहब महाराज जगह छोरी भी देवानी ब्याण वस्त्र तो यहाँ क्या छोरा ना वो काम आ गए स्टेचू मन या बेर अच्छा? जो भी कला आगे नहीं जिका नहीं छोरी दिया हमारा नहीं तो अच्छा? कौन दिया ब्याह को नहीं हुआ हमारे अच्छा? नहीं को नहीं हुआ हमारा ही पूछा छोरो स्टेचू मना छोरो बेर पियो काम करा जिको बेर पियो जितो ही काम करानी बिना छोरी देवा हमारा नहीं तो छोरी कौन देवा मतलब बेर पियो बांड भी बोलिया करे ना हां बांड बेर पियो बांड बांड को शब्द मतलब एक वो सुनियो भी मतलब बांड जो आए करे ना पता को दंत कथा ही बोलिया खा लियो गुड़ चीनी घी खांड आ गयो के बुआ बांडगी चा पियो खांडगी घर घर में जान तो इज्जत बोलना पड़ा बुआ जी राम राम बुआ ना कुछ करने वास्ते डायलॉग मारना पड़ा के बुआ बांडगी और चा पी खांडगी और बांधी चढ़ाई पांड और बुआ गाल दे बाल्टी कणक कुलमान जी चश्मा उतारा कथा करो तो पहला मैं कुलमान जी रूबरू कराऊंगा थाना कुलमान जी को सारे शरीर की लेंथ दिखाऊंगा कुलमान जी आंखें खोलो पूरी और ये पूरी आंखें लाल हो चुकी है सुबह से और सुबह से वो यहाँ लगा के बैठे हैं अब शाम को भी टाइम हो चुके है और बाल भी पूरा का पूरा गोल्डन है आंगा और थिनर से है आना आपको
थिनर से आने उतारना पड़ेगा कलर आपको वाकई के अंदर भाई बहुत मुश्किल हार्ड वर्किंग की जिंगी आप बात करा वो काम है कुलमान जी कर लाग रहा है। संगरिया की सड़क पर लोगों को मन बहलाना को काम है वो एक कर लाग रहा है। कुलमान जी पहले तो यहाँ बताओ थे प्रॉपर संगरिया के अंदर रहो है ना? हाँ जी संगरिया के अंदर। कौन से वार्ड में रहो? चार नंबर वार्ड में रहो। कितना सदस्य हो घर में? घर में माँ तीन भाई है और दो भाई न्यारा तो एक। शादीशुदा हो गए? हाँ जी भाई साहब शादी। टपर कितना था? एक गुड़िया। एक गुड़िया पढ़ा है टपर? नहीं जी अभी तो तीन साल की है। तीन साल। रोज का कितना रुपया कमा लेते हैं? 500-700 रुपया। फोटो दिखाओ की क्या थे? आ किंग की फोटो डाल। हां मेरा पापा जी की है। अच्छा थार पिताजी की फोटो होगी? ए भी वही काम करता आगे? हां जी। हैं ये के बन रहे थार पिताजी? महाराजा। अच्छा अभी 4-5 महीना पहले ये दुनिया में रुखसत होया है और ए भी वही काम करता हाथ को हुनर जी ने बोली जाए आपा बागड़ी भाषा में बोला बांड और बिया कहते आपा बेरूपी हो ना बांड कोई गाली तो कोनी? नहीं भाई साहब कोई गाली तो कोनी है ना। तो सबसे ज्यादा इनकम थाने कौन से एरिया में होवे? सबसे ज्यादा तो हनुमानगढ़ में होवे। हनुमानगढ़ कौन सा इलाका में? हनुमानगढ़ जंक्शन बक्सिंग चौक ने बड़ू मण जा 1800 रुपये वो भी तिमार का टाइम बना बिया कोनी बना बिया कौन बना बिया तो अब स्टेचू की मार्केट अब गिर गई है। गिर गई मार्केट स्वरूप तो मार्केट बड़ी यही पर बी टाइम में वो काम कोनी करतो नहीं अब वो काम जिद करने लग गया नहीं भाई 5 सालों में ना करता ना इतना ही मार्केट डाउन हो लगी बिंगा बाद में मार्केट ज़्यादा डाउन होने का कारण इतनी इनकम कोनी हुआ। इनकम कोनी हुआ अब थे वाला स्टैचू की मार्केट गिर गई जबकि स्टैचू तो अपना है ही तीन पूरा पूरा फिर मार्केट क्या गिर गई? 8-3 है हनुमानगढ़ में सुबह उठ के देखो 11 बजे के बाद स्टैचू खड़ा मिलागा मत कौन देखे एक तो बक्सिंग चौक पर एक टोन पर एक चुना फाड़ू नहीं खड़ती नीचे। अच्छा मैंने बताओ अब थे कौन सा थे मतलब सिल्वर मैन हुआ ना? हाँ सिल्वर मैन कुलमान है ना? हाँ जी चारो भाई है सलमान भी है गोल्डन मैन है ना? हाँ जी। अच्छा और कौन सा कलर करे जा सके में? गोल्डन मैन सिल्वर मैन बस दो ही कलर ब्लैक कलर की आप स्कीम कर रखे हैं वो क्रिश को बना लग रहे हैं भी तैयारी कर कलर तो फिर थोड़ा सा डरावना भी हो जाए यार राक्षस तो लगे कोने के वो यहां कोने जी वो क्रिश 3 यार बनाऊंगा रोल बनाऊंगा तो क्रिश हरो स्टैंड तैयार कराए अब यहां यानी कि यहां करके लटकनो पड़ा। अच्छा यहां वापस करके बताया इस तरीका हूं मैं ट्रेनिंग लेने लग रही इस तरीका अच्छा ट्रेनिंग यहां पूरा दिन यहां खड़े रहोगा यहां करके यहां ई पोज के अंदर किधर खड़े रहे इसको थे 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा है। हाईएस्ट कौन सा पोज में खड़े हो उसको थे कितनी देर खड़े हो उसको ये पोज में? मैंने 4 घंटा कंटिन्यू। तो हाथ वगैरह दर्द वगैरह कौन करे? नहीं भाई साहब बाद में सुनना हो जाए बाद में नहीं घरे जाओ भी टाइम हो जाए नींद तो बड़ी आती होगी ना थकड़ा नींद ही आई भाई जी और के खानो को नहीं खानो जी करा नहीं नींद जोर की आवाज सही बात है थकड़ा हो गई है ना। संगरिया में हनुमानगढ़ में खड़े हो कोई लोग बाग परेशान तो कौन करे पुलिस आ रहा कोई नहीं पुलिस आ रहा देख के कुछ सुबह जो भी पार्टी आ रहा कोई जैसे कि मंत्री या कोई जो कोई बाढ़ पास दबे देख के कुछ सुबह मान जिंदगी बिता लेगा थे ना। लेकिन कुलमान जी एक ही चीज कहना चाहूंगा रंग रोगन थोड़ा परहेज करो यार जी थे बता रहे हो पेट में थोड़ा चल जाए तो पेट दर्द करने लग जाए 4-5 हज़ार रुपया दवाइयां का लग जाए समस्या भी है नहीं रिश्ता बंद हो जाए अगर थोड़ा काम ना करो तो यहाँ क्या थोड़ा नशा करता हूँ ये वजह मारा नहीं एक काम करा दुकान पर लग रहा थोड़ा ना थोड़ी कौन देवा नहीं क्यों वो क्या दुकान पर रहोगे तो मारा ना थोड़ा मिलने कद आओगे मिलने आओ तो मारा दो महीने रह भी सका। डांस रूम्स भी आवे कितने डांस को नहीं आवे भाई साहब स्लो मोशन में चल जाए। अच्छा स्लो मोशन में चलोगे ले आओ चल लांगा पीछे मार ये मनिया तो एक कपड़ा कोई अलग होगा क्या थारा कटून ले आओ ए भाई साहब पहला कपड़ा पर रंग करता अब ऑनलाइन पर मंगा लेंगे कपड़ा कपड़ा भी सिल्वर है क्यों ये कपड़ा कलर करने की जुटती कौन था ना नहीं जी है ना नहीं जी तो मतलब थे वो सिल्वर बन के रहो गोल्डन वगैरह कौन बनाओ थे है ना गोल्डन में मेरा एलर्जी हो जाए के एलर्जी होवे और चेहरा खराब हो जाए मेरा। अच्छा और सिल्वर में सिल्वर में कोई एलर्जी वगैरह कोनी होवे क्यों गोल्डन कलर में मेरा पेट में चल गया मैं बीमार हो गया भी बाद मेरा वो एलर्जी करने लग गया आंखें दुख लग गई। अच्छा क्यों वो मेरा शूट कर गया तुमको खराब कौन करानी तो आंखें तो थारी अब भी पीली हो रही है पूरी कलर का कारण ही हो रही है कलर का कारण हो रही है अब जब मान लो गर्मी में खड़े होते पसीनों आ गए और पसीना की बूंद आंखें में चल जाए फिर आंखा में आंसू आ जाओ फिर आंख की कोई दवाई लेना पड़ेगी तो अब मुँह भी देख लो मुँह भी लाल हो रहे मेरे बड़ो भैया बहुत हार्ड वर्किंग है वाकई के अंदर और दो वक्त की रोटी कमाने खातर है
आपकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ कर लग रहे हैं, सब कुछ कर लग रहे हैं, यानी कि आपके टापरा को पेट पालने खातर और ये वो जो किरदार है वो किरदार निभा ला रहे हैं। कहते गोल्डन मैन तो कौन पहला बनाया करता है गोल्डन मैन, तो अब सिल्वर मैन बना, क्यों गोल्डन कलर आगे एलर्जी वगैरह करने लगे कोनी के कलर घर जाके सीधे साबुन लगा के नहा लियो भी कलर उतरा कोई कोनी है ना, घर जाके उतारना हो तो मैं हठी उतार के चल जाऊंगा। साबुन से कोनी उतरा है ना, हो जाता है ना, तो थिनर हूँ साफ करके फिर नहाओगे। हाँ। तो जब मतलब जब आन लागो भी टाइम भी ना हो और जाओ घर भी टाइम, दिन में दो बार ना आना पड़े क्यों? हाँ जी दो बार नवाने जी जाके शरीर वाली तो रंग भी खान लाए जा सोवाने भी टाइम, मतलब रंग खटो मंगाओ थे ओ भाई जी जी जड़ा रंग हर दुकान पर रंग मिलन बड़ू दे, मतलब वो पूरा मतलब मिक्स आवा के थाना मिक्स करना पड़े ना ना मिक्स करना पड़ा मान, मतलब कितो कलर चढ़ाओ थे पूरे शरीर को बराबर? ओ भाई साहब जा 200 ग्राम की डब्बी मतलब 5 दिन चल जाए, 200 ग्राम की डब्बी 5 दिन चल जाए वो कलर मैं समझूं, और रूई से ही उतरा गो या को नहीं उतरा गो कलर, हाथ मेरे जरूर सिल्वर हो गयो, हाथ मेरे जरूर सिल्वर हो गयो, लेकिन वो कलर है जो वो को नहीं उतरला रहे और ज्यादा गहरा हो लग रहे, और मेरे उंगली को जो आलम है वो थे देख पाओ लग रहे, कपड़ों भी मार के देख सको है, कपड़ों भी मार के देख सको, फिर भी कौन उतरा गो? रात दिन को काम है, रात दिन आई चीज करे, ई मैं के रखो ई मैं भाई जी 5 कोई 10-20 रुपया दे जा जी गाल ले, अच्छा ई बैग के अंदर रखो है ना, चलो जी। और जूता वगैरह, जूता भी गोल्डन कलर का है ना, पैंट पर भी तो देख पाओ लग रहा हो। ये है संगरिया निवासी कुलमान जो स्टेचू बनके संगरिया की गली चौराहे के ऊपर है, ताने देखने में मिल जाएगा, कदे हनुमानगढ़ भी आ जाए कदे संगरिया भी हो, अलग अलग जो लोकेशन है अलग अलग जगह के ऊपर ये देखने में मिल जाएगा थाने, और पूरा दिन है स्टेचू बनके खड़े रहो जब जाके सामने आगे 500 रुपया इनकम हो। तो वीडियो थाने किसी लगी, वीडियो के प्रति थारी के राय है के सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके मन जरूर बतायो। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में दे बेल आइकन का बटन ने दबा दो, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। थर गाँव में या आसपास में किसी तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले हमारा झलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है, ये नंबर पर थे माना फोन करो संपर्क करो, मैं थारा गाँव में पहुंचाऊंगा, थारी समस्या उठाऊंगा, थारी आवाज उठाऊंगा। और हनुमानगढ़ के संगरिया का ये जो सिल्वर मैन है अंग प्रति थारी के प्रतिक्रिया अंग कलर भी बहुत ज़्यादा नुकसान करे, सेहत भी खराब हो, लेकिन फिर भी 2 रुपया कमाने खातर है आपकी सेहत अंग सागे भी खिलवाड़ करा लग रहा है। विचार थारा कमेंट में जरूर मेंशन करो। अंत मन ने दो इजाजत, जय हिंद जय राजस्थान जय हनुमानगढ़।